हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है और सिग्नेचर के पहले मीनिंग देख लेते हैं। सिग्नेचर ये दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, साइन एंड नेचर। मीनिंग हो जाएगा साइन ऑफ नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का मतलब होता है, यह एक एंशियंट कंसेप्ट है, एंशियंट कंसेप्ट है या ओल्ड कंसेप्ट है, जो बताता है कि मेडिसिनल जो प्लांट्स के अपीयरेंस होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कैन इंडिकेट इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यह एक ओल्ड कंसेप्ट है जो बाद में बहुत सारे ऑथर के द्वारा भी स्वीकार किया गया। जो प्लांट के अपीयरेंस हैं वो इंडिकेट करते हैं उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के। जो प्लांट के अपीयरेंस हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के। जो भी प्लांट्स के अपीयरेंस हैं वो इंडिकेट करते हैं उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के। जो पैरासेलस वाज फर्स्ट एडवोकेट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, पैरासिलस वाज फर्स्ट एडवोकेट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं उनका थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है सेम प्लांट्स के उसके पार्ट्स के साथ हो सकता है। जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं उनका थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट्स से या उनके पार्ट्स से, तो वो पार्ट्स उस डिजीज में, उस पार्टिकुलर आर्गन में यूज किया जाता है, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। बात वही हुई, प्लांट्स के अपीयरेंस इंडिकेट में उस इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। जो प्लांट्स के अपीयरेंस है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बोलते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पल्सा टीला क्या होती है, थ्रस्टलेस होता है। तो ये पल्सा टीला का जो पौधा है वो आपको रेत में यानी सैंड में बालू में उगता है। तो उसको पानी की आवश्यकता जो है कम होती है, उसका वाटर इंटेक कम होता है। तो जो पेशेंट थ्रस्टलेस होंगे वो पल्सेटिला के पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स का अपीयरेंस है और उससे इसका जो एक कैरेक्टर है प्लांट्स का, उससे व्यक्ति के ह्यूमन के कैरेक्टर्स मैच हो, तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। तो यानी प्लांट्स जो है, पल्सेटिला है, उसको पानी कम चाहिए, तो उसका जो पेशेंट होगा वो थ्रस्टलेस होगा। जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं जेलसीमियम पूरा नाम सेमी परवेरेंस। जो इसका फ्लावर का कलर होता है वो येल्लो होता है, कलर ऑफ द फ्लावर इज येल्लो एंड यूजफुल इन येल्लो स्किन एज इन जॉइंडिस। जैसे पल्सेटिला का फ्लावर का कलर येल्लो है तो उसका जो अपीयरेंस है वो येल्लो कलर का है, तो किसी व्यक्ति का स्किन अगर जो येलो कलर होने लग रहा है, जैसे ज्वाइंटिस के केस में होता है, तो हम उसको जेलसीमियम दे सकते हैं। हैपेरिकम हो गया, हैपेरिकम
हाइपेरिकम में रेड जूस होते हैं, रेड जूस, तो इसको हेमोरेज में यूज कर सकते हैं, इसको हेमोरेज में यूज कर सकते हैं, हाइपेरिकम को हेमोरेज में यूज कर सकते हैं। जैसे स्नैक होता है लेकेसिस क्या होता है, स्नैक है तो ये रेस्टलेस होता है, ये कैसा होता है, रेस्टलेस, सस्पिशियस होता है। और इसको जब अपना ये केंचुल उतार देता है तो इसको आराम मिलता है, जब ये अपना केंचुल उतार देता है तो इसको आराम मिलता है, तो इसके जो पेशेंट होंगे उनमें भी क्या होगा, डिस्चार्जिंग एम्यूलरेशन होगा, जो इनके पेशेंट होंगे उनको डिस्चार्ज से एम्यूलरेशन होगा। जैसे मेंसेस हो तो मेंसेस का, जब मेंसेस आए डिस्चार्ज होने लगे तो उन पेशेंट को आराम मिलने लगे, तो ये लेकेसिस के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं और उस पेशेंट के सिम्टम्स दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। और इसका पेशेंट कैसा, रेस्टलेस हो, सस्पिशियस हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं दोस्तों, तो हम इतना देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।